ऑलराइट गाइस, सो अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एरेज की, कि एरेज क्या होते हैं सी के अंदर। तो स्टार्ट करें क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एरेज। अब यहाँ पर मैं एरेज से पहले आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पर बताऊंगा कि एरेज के बारे में, कि एरेज क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। और यहाँ पर एरे, मान लो किसी ने पूछा आप लोगों से व्हाट इज़ एन एरे। अब क्या है, कुछ लोग स्कूल वगैरह में जाते हैं, कोई अगर पूछे व्हाट इज़ एन एरे तो आपको डिस्क्राइब करना आना चाहिए, इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑफ द सेम टाइप। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको समझना है, तो चलो मैं आपको समझाता हूँ क्या है। मान लो आप लोगों के पास 100 नाम है और आप लोगों को नाम स्टोर करने हैं 100, तो आप लोग क्या करोगे? क्या 100 वेरिएबल बनाओगे? नहीं, आप 100 वेरिएबल्स नहीं बनाओगे। आप क्या करोगे, एक एरे बना लोगे। तो आप कहोगे मैं एक एरे बनाऊंगा, और उस एरे के अंदर आप लोग क्या करोगे, उस एरे के अंदर आप लोग बोलोगे कि मैं 100 नाम स्टोर कर दूंगा। तो मैं बनाऊंगा एरे ऑफ साइज 100, और उस 100 साइज के एरे में आप लोग क्या करोगे, स्टोर कर दोगे। अब इस बात का मैं एनालॉजी अगर आप लोगों को देना चाहूँ तो मैं कुछ इस हिसाब से दूंगा कि मान लो आप लोगों को बहुत सारा सामान रखना है जो कि एक जैसा है। मान लो आप लोगों को बहुत सारी बंदूकें रखनी है, या फिर मान लेते हैं कि आप लोगों को बहुत सारी नीडल्स रखनी है जिससे आप लोग कपड़े सिलते हैं, या फिर हो सकता है कि आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग कलर के स्केच पेन्स रखने हो। तो आप लोग एक स्केच पेन का डब्बा ले लेते हो, आप कहते हो कि भाई मुझे 10 पेन रखने वाला डब्बा दे दो, उसमें कुछ जिस तरह से खाने बने होंगे। और आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर अपने 10 पेन्स को लगा दोगे। तो आप लोगों को कोई भी पेन चाहिए होगा तो आपको पता है कि कौन से कॉर्नर में है, आप एकदम से उठा लोगे, तो आप लोगों के लिए एक्सेसिंग करना उसको आसान हो जाएगी। तो इस तरह के डब्बे का एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को दिया है, ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है एरेज का। और यहाँ पर ये जो डब्बा है इसी को एरे बोलते हैं, और इसके अंदर जो स्केच पेन है वो एक इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कि क्या कह रहा है ये दूसरा पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है कि आइटम्स आर स्टोर्ड एट कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस। बात क्या हुआ इस मतलब, इस बात का मतलब क्या हुआ, बताता हूँ आप लोगों को क्या मतलब हुआ। देखो, इस बात का मतलब ये हुआ कि जो आइटम्स हैं वो एक के बाद एक जो होते हैं मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर्ड होते हैं। मतलब कि अगर एक यहाँ पर है आइटम, तो इसकी बाद वाली मेमोरी लोकेशन में दूसरा आइटम होगा, और इसके बाद वाली मेमोरी लोकेशन में दूसरा आइटम होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता, तो मेमोरी बिल्कुल ब्लॉक की तरह होती है। तो इस तरह अगर मान लो आपकी रैम है, और मैंने यहाँ पर ये रैम आप लोगों की बनाई है। अब क्या है कि मान लो यहाँ पर एक नंबर स्टोर्ड है, और ये ब्लॉक्स मान लेते हैं साइज ऑफ इंट साइज के। मान लो अगर आपके आर्किटेक्चर में इंट 4 बाइट ले रहा है, तो मान लो एक डब्बा 4 बाइट का है, अगला डब्बा फिर से 4 बाइट का है, उसके अगला वाला फिर से 4 बाइट का है, 4 4 4 4 4, और ये जो मेमोरी है आपकी चलती चली जा रही है, क्योंकि मेमोरी तो यार बहुत बड़ी होती है, GB में होती है मेमोरी, तो बाइट तो कुछ भी नहीं है मेमोरी के लिए। तो चलो अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर यहाँ पर मैंने 2 स्टोर किया हुआ है, और यहाँ 3 स्टोर किया हुआ है, या 4 स्टोर किया हुआ है, और मैंने एक एरे डिक्लेयर किया हुआ था साइज 3 का, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, A0 जो है मेरा, ये यहाँ 2 पर आएगा, A1 3 पे आएगा, A2 4 पे आएगा। अगर नहीं आया आप लोगों के समझ में, तो मैं आप लोगों को अभी सही से समझाता हूँ। देखो होता क्या है यहाँ पर, कि ये जो एरे है इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं मैं अभी बाद में बताऊँगा, लेकिन आप लोग अभी बस इतना याद रखो कि जो मेमोरी होती है वो कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन में रहते हैं। यानी कि अगर 2 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर होगा, 4 यहाँ पर होगा, अगर ये कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स हैं एरे के। अब यहाँ पर आप बस इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करते रहो, मेरी बात को सुनते रहो, और ये वीडियो कंप्लीट होने तक आप लोग को एरे बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगा, आप बनाओगे सब कुछ सही से आ जाएगा। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं, इट कैन ऑल्सो स्टोर द कलेक्शन ऑफ डिराइव डेटा टाइप सच एज पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स। अभी पॉइंटर स्ट्रक्चर्स हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है, बस आप लोग कुछ ऐसा समझ लो कि ये कलेक्शन ऑफ डिराइव डेटा टाइप को भी स्टोर कर सकते हैं। डिराइव डेटा टाइप्स क्या होते हैं ये मैं आप लोग को आगे बताऊंगा, लेकिन बस ये समझ लो कि ये सेम काइंड ऑफ डेटा आइटम्स का समाहार होता है, सेम काइंड ऑफ डेटा आइटम्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है, बस इतना समझना है। इसलिए आप लोग ये भी अपने दिमाग में रखो कि इसमें डिराइव डेटा टाइप भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसमें इंट फ्लोट कैर ही आएंगे। तो चलो बढ़िया। अब यहां पर क्या होता है कि अगर मैं प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड की बात करूं कि रियल वर्ल्ड में क्या हमारा काम है एरेज का, तो मैं कुछ ऐसे कह दूंगा, कहूंगा जो 1D array होता है वो लिस्ट की तरह होता है, जैसे कि मैंने यहां पर एक बताई ये लिस्ट। लेकिन अगर मैं 2D array बनाऊं तो वो कुछ इस तरह बनेगी, और वो कहां यूज होगी, मैट्रिक्स बनाने में। अगर आप लोग को नहीं पता मैट्रिक्स क्या होती है, तो मैं आप लोग को बताता हूं, वो टेबल की तरह होती है, इसलिए मैंने मैट्रिक्स नहीं टेबल लिखा है यहां पर स्लाइड में। 2D array इज लाइक अ टेबल, जो हमारा 2D array होता है वो टेबल की तरह होता है, टेबल कुर्सी वाली टेबल नहीं, यहाँ पर ये वाली टेबल की तरह, जैसे यहाँ पर 1 आ गया, या 2 आ गया, या 3 आ गया, 4 5 6 और सो ऑन, मैं इसको भर सकता हूँ यहाँ पर कितने भी नंबर से।
चलो बढ़िया, ये आपको को समझ में आया। अब यहाँ पर सी लैंग्वेज प्लेसेस नो लिमिट्स ऑन द नंबर ऑफ डायमेंशंस इन एन एरे। तो यहाँ पर जो सी लैंग्वेज होती है वो कोई लिमिट नहीं प्लेस करती है जो नंबर ऑफ डायमेंशन होती है एरे की, यानी कि आप लोग 2D एरे बनाओ, 3D एरे बनाओ, 4D एरे बनाओ, 5D एरे बनाओ। अब यहाँ पर हम पहले 1 और 2D एरे देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डायमेंशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर ये 1D एरे बनाया, ठीक है, ये हमारा 2D एरे है। लेकिन अगर मैं 3D एरे की बात करूँ, वो कुछ ऐसे बनेगा कि उसमें आइटम्स यहाँ तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसी के साथ साथ क्या होगा, वो एक क्यूब को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, तो कुछ ऐसे बनेगा वो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, हम पहले 1D और 2D का सिंटैक्स लिखेंगे, फिर देखेंगे 3D एरे किस तरह बनेगा। लेकिन पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है ये कि सम टेक्स्ट रेफर टू वन डायमेंशनल एरेज एज वैक्टर्स। कुछ टेक्स्ट होते हैं वो हमारे 1D एरे को वैक्टर कहते हैं, और कुछ टेक्स्ट होते हैं हमारे वो 2D एरे को मैट्रिक्स बोलते हैं। तो या फिर हम क्या करते हैं कि कभी कभी जनरल टर्म एरे यूज़ करते हैं जब हमारी जो डायमेंशन है वो अनस्पेसिफाइड है, यानी कि स्पेसिफाई नहीं की गई है या फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सम टेक्स्ट रेफर टू वन डायमेंशनल एरेज एट वैक्टर्स, टू डायमेंशनल एरेज एज मेट्रिसेज, एंड यूज द जनरल टर्म एरेज वेन द डायमेंशन ऑफ वेन द नंबर ऑफ डायमेंशन इज अनस्पेसिफाइड और अनइम्पॉर्टेंट। या तो अनस्पेसिफाइड हो, स्पेसिफाई नहीं की गई हो, या फिर इंपॉर्टेंट ही ना हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को एरे की ज़रूरत क्या है, कि वाई डू वी नीड एरेज। तो यहाँ पर एरेज हमें ज़रूरी क्यों होते हैं, तो कोड दैट यूज एरेज इज समटाइम्स मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड रीडेबल। ये क्या होता है, रीडेबल बनाता है कोड को, ऑर्गेनाइज बनाता है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, और वो एग्जाम्पल ये है कि मान लो आप लोगों को कुछ 56 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है कहाँ पर, जो भी टेस्ट में किसी में आए होंगे 56 बच्चों के मार्क्स, आपको उनको स्टोर कराना है। तो अगर आप लोगों को सिर्फ इतना आता है जितना मैंने पढ़ाया है आप लोग को अभी सी में, तो आप लोग क्या करोगे, 56 वेरिएबल्स बना लोगे। क्या आप लोग को लगता है 56 वेरिएबल बनाना एफिशिएंट है? क्या आप लोग सबके नाम मेंटेन कर करके इक्वल टू करोगे? ये क्या करेगा, प्रोग्राम को बना देगा क्लटर्ड और मैसी। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया। इसका जो सॉल्यूशन है वो एरे है। अब एरे कैसे इसका सॉल्यूशन है ये आप लोग को बताता हूँ। एरे अगर आप लोग बना लोगे तो होगा क्या कि आप लोग बड़े आराम से एरे की इंडेक्स की मदद से सारे के सारे लोगों के रोल नंबर के हिसाब से आप लोग एक्सेस कर पाओगे एलिमेंट्स। अब ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, वी कैन क्रिएट एरेज ऑफ इंटीजर्स एंड स्टोर द कंसेक्यूटिव मार्क्स करस्पॉन्डिंग टू द रोल नंबर ऑफ द रोल नंबर इन द एरे, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी का रोल नंबर 0 है तो हम उसको A0 में स्टोर कर देंगे, और किसी का रोल नंबर 1 है तो हम उसको A1 में स्टोर कर देंगे। अभी सिंटेक्स वगैरह बताऊंगा तब सही से समझ में आएगा। मान लो इसके 56 मार्क्स आए, इसके 70 मार्क्स आए, तो मैंने A0 में 56 लिख दिया, A1 में 70 लिख दिया, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ नेक्स्ट, यहाँ पर एडवांटेज ऑफ अरेज में। एडवांटेज क्या है अरेज के? देखो एडवांटेज अरेज के सिर्फ ये है कि एक तो ये मल्टीपल डेटा आइटम को सिर्फ एक नाम से आप लोगों को एक्सेस करवा देता है, यानी कि आप मार्क्स नाम का एक एरे बना लोगे और आप लोग यहाँ पर मार्क्स का साइज 56 कर दोगे और आप लोग 56 बच्चों के मार्क्स को स्टोर करा पाओगे। तो ये क्या करता है, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत होती है, ये मदद करता है मल्टीपल डेटा आइटम्स ऑफ सेम आइटम्स को स्टोर करने में। और उससे होता क्या है, उससे सिर्फ ये होता है कि हमारा कोड ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाता है और क्लटर्ड कम रहता है। तो ये पॉइंट हम लोगों ने समझा, एक्सेसिंग एन आइटम इन अ गिवन एरे इज वेरी फास्ट। क्यों है वेरी फास्ट? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सिंपली उसकी इंडेक्स की मदद से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज हम देखेंगे पॉइंटर्स जब हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि हमें पता है कि मेमोरी में वो कहां है, हम लोग उसका एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं एरे के बेस एड्रेस की मदद से। अगर मुझे पता है कि कितने आगे जाके उसका एड्रेस कैलकुलेट करना है, और मैं उस आइटम को बहुत ही फास्ट एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे एक एक करके आइटम्स को ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे इसके बेस एड्रेस की मदद से इसका एड्रेस निकाल लूँगा और यहाँ पर मैं इस आइटम में पहुँच जाऊँगा। आप लोगों को बताऊँगा एड्रेसेस के बारे में कैसे अर्थमेटिक होती है पॉइंटर की, अभी इसको आप इसलिए होल्ड पर रख दो अगर नहीं आया समझ में। तो अब यहाँ पर 2D एरेज मेक्स इट ईजी इन मैथमेटिकल एप्लीकेशन टू रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स। अब क्या होता है कि आप लोगों को कहीं कहीं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, जैसे मान लो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, या फिर हमारी अगर आप लोग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स में जाएंगे, कभी आप लोग कॉलेज वगैरह में अगर आप लोग नहीं गए हैं अभी तक, स्टूडेंट हैं स्कूल में हैं, तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैट्रिक्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप लोग 11th 12th में हैं तो आप लोगों को पता होगा मैट्रिक्स एलजेब्रा वगैरह कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अलग अलग एप्लीकेशन में, चाहे वो फिजिक्स हो, काइनेमेटिक्स हो, बहुत सारी हमारी ऐसी एप्लीकेशन हैं। तो उसमें मैट्रिक्स को अगर आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है तो आप लोग कर सकते हो आराम से। तो ये 2D एरे की मदद से आप लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर पाओगे।
अब यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या होती है एरे की, प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन में हमारा डेटा स्टोर होता है, यानी कि अगर मेरी मेमोरी कुछ यहाँ पर है और मैंने इंट ऑफ साइज 4 बनाया है एरे, एक इंटीजर एरे बनाया है ऑफ साइज़ 4, तो क्या होगा अगर 2 यहाँ पर है 4 यहाँ पर होगा, और मान लो मैंने तीसरा आइटम उसका 10 रखा, मेरी मर्जी है मैं चौथा आइटम मान लो 100 रखता हूँ, जो भी मैंने आइटम इसके रखे ये चारों कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में मेरे स्टोर होंगे। यानी कि अगर यहाँ पर 2 स्टोर हुआ है तो उसके बाद जो मेमोरी लोकेशन आती है हमारी फिजिकल मेमोरी में, वहाँ पर ये यहाँ पर स्टोर होगा जो 4 है जो अगला आइटम है, और जो अगला आइटम है वो कहाँ पर स्टोर होगा 10 यहाँ पर स्टोर होगा, और अगला आइटम यहाँ पर स्टोर होगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या है कि मैं आराम से पता लगा सकता हूँ कि कौन सा आइटम मेरा कहाँ पर है बेस एड्रेस की मदद से, और इसमें एक्सेसिंग फास्ट हो जाती है एरे के आइटम्स को, आप लोग बहुत फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज ऑफ सेम साइज़, क्योंकि ये क्या था अगर हम लोग डेफिनेशन में जाएँ एरे की, तब आप लोगों को पता चलेगा कि या तो मैं इंटीजर का एरे बना सकता हूँ, या मैं फ्लोट का एरे बना सकता हूँ, या मैं कैरेक्टर्स का एरे बना सकता हूँ। सारे के सारे कैरेक्टर सेम साइज लेंगे तो वो क्या होगा सारे के सारे जो एलिमेंट है वो सेम साइज होंगे। इस केस में क्या है इंटीजर है, अगर 2 बाइट ले रहा है इंटीजर आपके आर्किटेक्चर में, तो ये भी 2 बाइट, ये भी 2 बाइट, ये भी 2 बाइट, और ये भी 2 बाइट, चारों के चारों जो हमारे ब्लॉक्स हैं वो 2 बाइट ही लेंगे। अब यहाँ पर है कि एनी एलिमेंट ऑफ द एरे विद गिवन इंडेक्स कैन बी एक्सेस्ड वेरी क्विकली बाय यूजिंग इट्स एड्रेस विच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द बेस एड्रेस एंड द इंडेक्स। यानी कि बेस एड्रेस और इंडेक्स दोनों की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो इसका बेस एड्रेस यहाँ पर मुझे दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि अगर मान लो मैं A2 को स्टोर करना चाहूँ या सॉरी एक्सेस करना चाहूँ, यानी कि 0, 1, 2, 3 यानी कि 100 को एक्सेस करना चाहूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ से कितना और आगे जाना है, मुझे 3 कदम आगे जाना है। यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लूँगा इसका एड्रेस और इस एड्रेस पर जो भी आइटम है उसको मैं रिट्रीव कर लूँगा। तो ये बहुत ज़्यादा क्विक होता है और ये सबसे बड़ी खासियत होती है एरे की। तो सबसे बड़ी खासियत एरे की ये होती है कि हम आइटम को बहुत फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो ये एक बात हो गई। अब यहाँ पर सिंटेक्स की बात करते हैं। सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स है डेटा टाइप का नाम लिखो, आप नाम लिखो और उसके बाद क्या करो साइज़ लिखो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक इंटीजर एरे बनाना चाहता हूँ मार्क्स का, तो मैं कुछ ऐसे लिख दूंगा, मैं बोलूँगा इंट और यहाँ पर लिखूँगा मार्क्स और यहाँ पर 200 लिख दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर इंट मार्क्स 200 लिखूँगा क्या होगा, मैं 200 मार्क्स स्टोर कर सकता हूँ अब यहाँ पर। तो मैं कैसे स्टोर करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा मार्क्स 0 इज इक्वल टू, मान लो मैंने 100 लिख दिया, फिर मैं लिखूंगा मार्क्स 1 इज इक्वल टू और मान लो मैंने यहाँ पर 96 लिख दिया। तो मैं इसी तरह क्या कर सकता हूँ सारे के सारे 200 मार्क्स को स्टोर नहीं इनिशियलाइज कर सकता हूँ, सॉरी नॉट स्टोर, मान लो 101 है ये मार्क्स, ठीक है, तो जो भी है ठीक है। तो मार्क्स अगर 200 का एरे है तो 200 तक नहीं जाएगा, 199 तक जाएगा, 0 से 199 तक। तो एनीवेज जो भी है हम इसको अभी विजुअल स्टूडियो कोड में जाकर देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये सिंटेक्स आप लोगों को समझ में आया, डेटा टाइप मैंने यहाँ पर इंट लिखा, एरे का नाम मार्क्स लिखा, साइज इसका 200 लिखा, तो मैं 200 मार्क्स को स्टोर कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जो दूसरी वाली लाइन है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग क्या है कि एक ही लाइन में सारे के सारे जो आइटम्स हैं उनको आप लोग यहाँ पर डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक साथ कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने अभी देखा। और 2D एरेज का इनिशियलाइजेशन कुछ इस तरह होता है और आप लोग उनको एक्सेस भी कर सकते हैं इस तरह, यानी कि एरे का नाम अगर मैं यहाँ पर मार्क 0 को प्रिंट करूँ तो मेरा 100 आ जाएगा, या फिर मैं मार्क 0 को चेंज भी कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी देखते हैं अभी चल के। तो यार चलो विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं, आगे की बातें अब वहीं पर होंगी। सो लेट्स गो एंड राइट सम कोड। सो गाइस, क्योंकि हमारा 23rd ट्यूटोरियल है, मैं यहाँ पर करने के वाला हूँ, मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल 23.c के नाम से एक फाइल बना लूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्यूटोरियल और मैं 23.c के नाम से यहाँ फाइल बना लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, main.c है यहाँ पर, इसको कंट्रोल ए करके सी करूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और सेव करने के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, थोड़ा सा कोड लिखूँगा। तो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि जो एरे के सिंटेक्स की मैं बात कर रहा था, जो एरे को बनाने की हम बात कर रहे थे, वो हम किस तरह बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस हेलो वर्ड को भी मिटा देता हूँ या फिर एक काम करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, कभी कोड कॉपी करने की ज़रूरत पड़ गई तो यहीं से कॉपी कर लेंगे। तो मान लो मैं इंट मार्क्स के नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 34 मार्क्स को मान लो स्टोर करना चाहता हूँ, या फिर एक काम करते हैं अभी के लिए 4 मार्क्स को सिर्फ स्टोर करते हैं। अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि सिंटेक्स एकदम करेक्ट है। हमने एक एरे बना दिया है 4 साइज़ का जिसका नाम मार्क्स है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर कुछ ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग बोलेंगे मार्क्स 0 इज इक्वल टू 34, और फिर अगर मान लो आपने यहाँ पर प्रिंट एफ लिखा और प्रिंट एफ लिखने के बाद आप लोगों ने लिखा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 4 इज, और आप लोगों ने लिख दिया यहाँ पर परसेंटेज डी, क्या लिख दिया परसेंटेज डी, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर लिख दो मार्क्स 0, ठीक है, या फिर स्टूडेंट 1 लिख देते हैं
और इसको मैं रन करूँगा तो आप लोग देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है। अब यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना पड़ता है, भूल जाता हूँ मैं आज की तारीख में भी, तो आप लोग भी याद रखना सेमी कॉलन ज़रूर लगा लेना। अब मार्क्समैन को 34 किया था यहाँ पर, अब अगर मान लो मैं यहाँ पर मार्क्स को चेंज कर देता हूँ, इस लाइन को रिप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर क्या करूँगा मार्क्स जीरो को क्या बना दूंगा, मार्क्स जीरो को कुछ कम करके बना देता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पर मार्क्स जीरो को बना सकता हूँ, मान लो मैंने 454 बना दिया। अब अगर रन करूँगा मैं इसी कोड को, तब आप लोग देखोगे क्या यहाँ पर मार्क्स वन पहले तो क्या था 34 था। एक बैक स्लैश एन लगा लेते हैं यार, थोड़ा अच्छा लगता है बैक स्लैश एन लगा के। और बैक स्लैश एन लगाने से और भी क्या होता है कि आपका जो आउटपुट है वो बड़ा क्लियरली आप लोग को दिखेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वन इज़ चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वन पहले 34 था, अब वो 454 हो चुका है, ठीक है, कूल। अब यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या हम 0, 1, 2, 3 तक सबके सारे के सारे एलिमेंट्स को कर सकते हैं, तो हाँ आपको कोई नहीं रोक सकता, जब तक मैं हूँ यहाँ पर आप लोग को कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर चार साइज़ के एरे बनाए, तो मैं 0 से लेकर 3 तक करूँगा। और यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़े थोड़े चेंजेस कर देता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पर कुछ चेंज करके मार्क्स को 34 कर देता हूँ, कहीं पर मैं क्या करूँगा 24 कर दूँगा, और कहीं क्या कर दूँगा मार्क्स को सिर्फ 4 कर दूँगा। कंट्रोल ऐसे इस चीज़ को सेव करूँगा और इसको रन करूँगा, तब आप लोग देखो यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट 134 था यहाँ पर पहले, और उसके बाद स्टूडेंट 14 हो गया क्योंकि मैंने मार्क्स 0 को यहाँ 4 किया था और 34 किया था और उसके बाद मैंने 4 कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ तक के कोड को कमेंट करके, नहीं नहीं कमेंट करने को अच्छी चीज़ नहीं बोला मैंने, जो दिखाऊंगा वो आप देखते जाओ। मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लगाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर फॉर लिखता हूँ ना तो यहाँ पर देखो मुझे एक फॉर लूप मिलता है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंट और आई इज़ लेस देन, क्या करूँगा मैं यहाँ पर आई इज़ लेस देन 4 कर दूंगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्कैन एफ, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, स्कैन एफ परसेंटेज डी, और उसके बाद मैं बोलूँगा मुझे क्या करो, मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ मार्क्स आई का एड्रेस और मार्क्स आई में स्टोर करना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं प्रिंट एफ लिखूँगा। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट एफ लिखा और उसके बाद मैंने यहाँ पर बोला एंटर द वैल्यू ऑफ परसेंटेज डी एलिमेंट ऑफ द एरे बैक स्लैश एन, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये लिखा, कॉमा लगाने के बाद अब आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं परसेंटेज डी की जगह जो भी आप लिखना है। क्या होगा मेरे केस में, यहाँ पर आई होगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आई प्रिंट हो जाए इस एरिया में, और उसी के साथ मार्क्स आई में मैं स्टोर करना चाहता हूँ। इसको रन करूँगा अगर मैं यहाँ पर, तो क्या होगा जैसे ही मैं इसको रन करूँगा यहाँ पर अपना ऊपर वाला बटन दबा के, ये क्या कह रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ जीरो एलिमेंट ऑफ द एरे, मान लो 56 किया, सारे 56 कर देता हूँ, लेकिन क्या है मैंने यहाँ पर प्रिंट नहीं किया, तो सारे के सारे एलिमेंट्स को इसने क्या किया, इसने सारे के सारे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करके एग्जिट मार दिया। मैं इस काम करूँगा, इसको ना वापस से प्रिंट करूँगा, एक फॉर लूप को ना वापस से प्रिंट करूँगा, और मैं लिखूँगा इस बार दी वैल्यू, क्या दी वैल्यू ऑफ परसेंटेज डी एलिमेंट ऑफ एरे इज परसेंटेज डी, और यहाँ पर जो पहला है मेरा आई हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा मार्क्स आई हो जाएगा। तो कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और कॉमा लगा के यहाँ पर क्या लिखूँगा, कंट्रोल भी लिखूँगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और ये स्कैन एफ यहाँ से हटा दूँगा। अब देखते जाना मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मान लो एरे बनाना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, हाँ अब सही है। तो मान लो मैंने 3 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, यहाँ पर देखो 6 लिखा, तो 3, 2, 1, 6 जो है यहाँ पर मेरा एरे प्रिंट होके आ चुका है। तो इस तरह मैंने क्या किया, एक 1D एरे बनाया, 1D एरे बना के सारे एलिमेंट्स को इनपुट करवाया यूज़र से, और उसके बाद मैंने क्या किया, उसको प्रिंट भी करवा दिया, वहीं के वहीं साथ के साथ प्रिंट करवा दिया। तो इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, एरे के एलिमेंट्स को ले सकते हैं और आप लोग प्रिंट करा सकते हैं। अच्छा चलो ये एक बात हो गई। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को नहीं बताया, आप यहीं के यहीं भी इसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। कैसे करोगे आप, वो कुछ इस तरह कर सकते हो आप कुछ ऐसे लिख दो 45, 234, 2 और 3। अगर आप लोग ऐसे करोगे और उसके बाद आप लोग कुछ इस तरह यहाँ पर, इसको मैं ऐसे करता हूँ और इसको जैसे ही मैं रन करूँगा, आप लोग देखो यहाँ पर क्या है, ये सारे के सारे प्रिंट हो गए, यानी कि जो मार्क्स नाम का एरे है उसमें ये सारी की सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। कौन कौन सी वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ 45, 234, 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया एरे क्या होता है, अब आप खुद बना सकते हो। इसी तरह हम लोग 2D एरे को भी कर सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ 1D एरे को ही करना है। डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन, यानी कि डिक्लेयर भी करा इनिशियलाइज भी करा एक ही लाइन में ये कर दिया। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, अगर आप ये चार नहीं भी लिखोगे ना तब भी काम चल जाएगा क्योंकि वो अपने आप गिन लेगा, लेकिन 2D एरे में ऐसा मत करना आप लोग। 2D एरे में आप लोग को सेकेंड वाली कम से कम लिखनी पड़ती है। मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मान लो यहाँ पर मैं एक 2D एरे बनाना चाहता हूँ जो कि कुछ ऐसे है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है।
तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने ये 2D एरे बना लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कम से कम चार लिखना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ पर ब्लैंक लिखूंगा, दूसरी वालों मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह लिख दिया, चार, मैंने चार लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको जैसे ही रन करूँगा, यहाँ पर ये कुछ मैंने गड़बड़ करी है, क्या आ रही है गड़बड़ ये देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो मार्क्स आई जे करना पड़ेगा इस बार मुझे, क्योंकि ये 2D एरे है। अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, मैंने बहुत जल्दीबाजी कर दी, तो एक काम करता हूँ, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर मैंने 2D एरे बनाया है, किस साइज़ का, 2x4 का, जिसमें कि दो रोज़ हैं और चार कॉलम है। तो इसको अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूँ तब आप लोग को देख के ज़्यादा सही से समझ में आएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको इनपुट करा सकते हैं, लेकिन आप लोग को यहां पर डबल फॉर लूप चलाना पड़ेगा। क्यों डबल फॉर लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि देखो मार्क्स 0 0 करूंगा तो ये वाला एलिमेंट आएगा, मार्क्स 0 1 करूंगा तो ये वाला एलिमेंट आएगा, मार्क्स 0 2 करूंगा तो ये आएगा, मार्क्स 0 3 करूंगा तो ये आएगा, मार्क्स 1 0 करूंगा, सॉरी 1 0 करूंगा, हाँ बिल्कुल सही, तो ये आएगा, और उसी के साथ मार्क्स 1 1 करूंगा ये आएगा, 1 2 ये आएगा, 1 3 ये आएगा। तो इस तरह मुझे अपने आई और जे को, दो को अलग अलग चलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक और फॉर लूप चलाऊंगा, और यहाँ पर फॉर लूप का आ गया है, और इस बार मैं यहाँ पर लिखूंगा आई की जगह जे, और यहाँ पर मुझे 2 और 4 का चलाना है, तो यहाँ पर बाहर मैं 2 कर दूंगा, यानी कि आई जाएगा मेरा कहाँ, 0 से लेके 1 तक, क्योंकि 2 रोज़ हैं, और उसके बाद जे कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर 3 तक जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 कॉलम है। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं मार्क्स आई जे प्रिंट करूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा वैल्यू ऑफ परसेंटेज डी कॉमा परसेंटेज डी, यानी कि रो और कॉलम दोनों लिख दूंगा, और यहाँ पर जे भी लगा दूंगा। अब इसको मैं रन करूँगा, तो आप लोग देखना यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर कह रहा है जे इनडिक्लेयर्ड, तो जे में कुछ यहाँ पर इशू आ रहा है, ये कह रहा है जे डिक्लेयर आपने नहीं करा है, तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अपने ब्रैकेट्स को सही करना पड़ेगा, तो मुझे ब्रैकेट बाहर लगाना पड़ेगा। राइट क्लिक करके आप लोग यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर लेना, उससे क्या होगा आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। चलो अब मैं रन करता हूँ अपने इस प्रोग्राम को कोड रनर की मदद से, और आप लोग देखो यहाँ पर 4 2 34, उसके बाद 2 3 3 2 3 3, यहाँ पर आ गया है, 0 0 भी आ गया है, 0 1 भी आ गया है, 0 3 2 भी आ गया, 0 3 भी आ गया, सारे के सारे एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पर एक्सेस कर लिया है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर इसी के साथ साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, टॉगल वर्ड रैप कर लूँगा ताकि ये लीक ना करे, बाहर ना जाए। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इस लाइन को कमेंट आउट करके यहाँ पर चुपचाप लिख सकता हूँ प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मार्क्स आई जे, क्या लिख सकता हूँ मार्क्स आई जे, और मार्क्स आई जे लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ अभी यहाँ पर, और एक स्पेस भी प्रिंट करूँगा इसके बाद, तो क्या होगा, एक लाइन में सारे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक रो के बाद क्या हो, जैसे ही मेरी एक रो ख़त्म हो जाए तो मैं प्रिंट एफ करना चाहूँगा, क्या एक बैक स्लैश एन, कि यार एक बैक स्लैश एन आ जाए, उससे क्या होगा कि मेरी जो अगली रो है वो नई लाइन में आएगी। तो मैं इसको जैसे ही रन करूँगा, आप लोग देखो यहाँ पर 45, ये पूरा एकदम मैट्रिक्स की तरह प्रिंट हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये सब आपको। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आराम से इस वीडियो को एक बार और देखें, अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है ये 1D एरे और 2D एरे, और आप लोग को ज़रूर से आ जाएंगी चीज़ें समझ में। तो उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एरेज़ की मदद से आप लोग कुछ प्रोग्राम्स बनाएं, उससे क्या होगा कि आप लोग आराम से इसको समझ पाएंगे सही से, और मेरी बात को आप पीछे करके दोबारा सुनिए किस तरह काम करती है चीज़। अब यहाँ पर 1D एरे, 2D एरे, ये सब हम क्यों बनाते हैं, ये सब हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम ये सारे के सारे जो आइटम्स हैं इनको एक ही नाम से एक्सेस कर सकें। जैसे कि दूसरी क्लास में पढ़ने वाले चौथे बच्चे के मार्क्स, या फिर पहली क्लास में पढ़ने वाले दूसरे बच्चे के मार्क्स, उस तरह से आप लोग 2D एरे बना के स्टोर कर सकते हैं। क्लास की इन्फॉर्मेशन और रोल नंबर की मदद से आप लोग मार्क्स एक्सेस कर सकते हैं। तो ये यूज़ केस पे डिपेंड करेगा, लेकिन एक बेसिक फंडा जो था वो एरे का, मैं आशा करता हूँ समझ में आप लोग को आ गया। बात अब करूँगा थोड़ी सी और एरेज के बारे में, तो चलते हैं यार, चलो बात करेंगे थोड़ी सी एरे के बारे में। और अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एरेज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एरेज़ अच्छे ही हैं, यहाँ पर एरेज़ को इस्तेमाल करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। अब जैसे मान लो एक एरे होता है, जब आप लोग बनाते हैं, मान लो आपने 10 साइज़ का एरे बनाया, अब ये 10 साइज़ का एरे एक बार आपने बना लिया, तो हो सकता है कि आप लोग को 11वां स्टूडेंट के मार्क्स भी स्टोर करने पड़ गए। ऐसे में आप लोग को इंसर्ट करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि आप लोग को पूरा एरे डिलीट करके बनाना पड़ता है, तो यहाँ पर पुअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन में। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है। उसी के ज़्यादा वेस्टेज ऑफ मेमोरी, क्योंकि एरेज फिक्स होते हैं साइज में। अगर मान लो आप लोग को पता नहीं है पहले से कितने बच्चे हैं क्लास में, तो आप लोग कुछ बड़ा नंबर चूज़ कर लोगे, जैसे मान लो आपने 1000 चूज़ कर लिया, और 1000 की जगह मान लो सिर्फ 300 बच्चे रहे, तो आपने बाकी जो स्पेस थी वो वेस्ट कर दी, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर मेमोरी में इनफ स्पेस प्रेजेंट है और
कंटिगुअस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, तब क्या होगा, आप एरे नहीं बना पाओगे। जैसे मान लो कि कुछ मेमोरी कुछ आपकी ऐसी है, ठीक है, यहाँ पर एक स्पेस खाली है, यहाँ पर ये जो है ये भरी हुई है, ठीक है, फिर खाली है, फिर भरी हुई है, और ऐसे ही मान लो आपके पास बहुत सारी मेमोरीज है जीबीज में, आप एरे नहीं बना सकते क्योंकि आपको कंटिगुअस फॉर्म में चाहिए। कंटिगुअस फॉर्म में मेमोरी नहीं है आपके पास तो आपका एरे नहीं बनेगा, तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाती है एरे की, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द साइज ऑफ द एरे वंस यू हैव डिक्लेयर्ड इट। आप लोग को उसको डिलीट करके दूसरा बनाना पड़ेगा, तो आप लोग क्या है कि यहाँ पर इंक्रीज नहीं कर सकते साइज को, एक पॉइंट ये हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चारों के चारों पॉइंट्स जो हैं डिसएडवांटेजेस के, ये आप लोग को समझ में आए होंगे, और आप लोग मैं चाहता हूँ इसको कहीं ना कहीं नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं इस वीडियो में विदा लेना चाहूँगा आप लोगों से। मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए मुझे, अगर आप लोगों ने नहीं किया अभी तक, क्योंकि वहाँ पर मैं काफ़ी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। उसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। सो अभी के लिए यार इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।